हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइट मंजू फाइट, रिटन बाय सरगुन श्रीवास्तव। सो ये स्टोरी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची से जो कि पेंटर बनना चाहती है और इसका नाम होता है मंजुला पारेलकर। ये जो बच्ची है ना, ये हैंडीकैप्ड होती है। इसके पैर और हाथ ना बहुत ज़्यादा मुड़े हुए होते हैं और ये जब भी कुछ शूज़ वगैरह पहनती है अपने पैरों में, सैंडल पहनती है, तो बहुत ज़्यादा वो दर्द होते हैं। ये जो बच्ची है ना, इसका ड्रीम होता है कि ये बहुत बड़ी एक पेंटर बने। ये जो बच्ची है ना, ये हुसैन पेंटर को बहुत ज़्यादा मानती है। जैसे हम लोग होते हैं ना, किसी हीरो से या किसी भी चीज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हम लोग को मिलती है, यानी हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, मुझे इसकी तरह सिंगर बनना है या मुझे इसकी तरह अपनी लाइफ में ये एक्टिविटी को करना है। ठीक है, तो ऐसे ही मंजू के जो दिल में था वो ये पेंटर था। उस पेंटर का नाम था हुसैन। ये जो हुसैन पेंटर है वो बहुत बड़ा पेंटर है, तो ये चाहती थी कि मैं इनकी तरह बहुत हाई लेवल का, बोला जाए तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का मैं पेंटर बनूँ अपनी फ्यूचर में। सो ये मंजू जो है वो हुसैन को बहुत ज़्यादा मानती हैं, ठीक है, कि मुझे इनकी तरह बहुत बड़ा पेंटर बनना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंजू के जो हाथ पैर हैं ना, वो थोड़े से मुड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल चाइल्ड नहीं है और जब भी ये अपने पैरों में शूज़ या सैंडल पहनती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बिकॉज़ इसके जो पैर हैं वो मुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो मंजू है वो बोलती है कि हाँ मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है जब मैं शूज़ वगैरह पहनती हूँ, पर मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं होती जब मैं अपने हाथों से पेंसिल पकड़ती हूँ या कोई भी ब्रश पकड़ती हूँ या मैं पेंटिंग करती हूँ, तो मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। मैं आराम से पेंसिल पकड़ सकती हूँ और आराम से पेंटिंग भी कर सकती हूँ। और मंजू का तो ड्रीम ही है पेंटर बनना, बहुत हाई एडवांस लेवल का पेंटर बनना है इसको, ये इसका ड्रीम है। एक दिन क्या होता है कि मंजू अपनी मॉम के पास जाती है और इसकी मॉम ना कुकिंग कर रही होती है उस टाइम, तो ये अपनी मॉम के पास जाती है और अपनी मॉम से कुछ पैसे मांगने लगती है। उसी दौरान क्या होता है, मंजू का जो भाई होता है उसका नाम होता है अमोल, ठीक है, तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है आइसक्रीम आइसक्रीम। तो जो मंजू की मॉम होती है ना, वो ना अमोल को इग्नोर कर देती है और वो मंजू से बोलती है क्या हुआ, तुम पैसे क्यों मांग रही हो, तुम्हें क्या नीड है, मुझे बताओ। तो मंजू बोलती है कि मुझे ना पेंटिंग्स का कुछ सामान खरीदना है और मैं पेंटिंग्स करना चाहती हूँ, तो आप मुझे कुछ पैसे दे देंगी, मुझे ना पेंटिंग्स का सामान खरीदना है। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है, मैं तुमको पैसे दे दूँगी, कोई इशू नहीं है। तो मंजू की मॉम क्या करती हैं, मंजू का जो पिगी बैंक होता है उसमें से आधे पैसे निकालती हैं और मंजू को दे देती हैं। मंजू क्या करती है, कुछ पेंटिंग्स का सामान ले आती है और बस शुरू हो जाती है पेंटिंग करना। जब मंजू वो पेंटिंग को फिनिश कर देती है तो वो अपनी मम्मा को दिखाती है। उसकी मम्मा जब देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, खुश हो जाती है, बोलती है वाओ इट इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ये पेंटिंग। फिर वो अपने पापा के पास जाती है, अपने पापा को दिखाती है, तो मंजू के जो पापा होते हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। तब उस दौरान वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मंजू दौड़ते दौड़ते जाती है अपनी पेंटिंग को दिखाने के लिए, तो जब उसके फादर देखते हैं तो वो बोलते हैं बहुत अच्छी पेंटिंग तुमने बनाई है और कीप इट अप वो बोलते हैं। मंजू आती है, फिर मंजू का जो भाई होता है अमोल, वो भी जब देखता है वो बोलता है वाओ बहुत अच्छी पेंटिंग है, क्यों ना तुम इस पेंटिंग को फ्रेम करवा लो। फिर बोलता है नहीं नहीं तुम इसको सेल करवा दो, ठीक है, तो वो ना बिडिंग लगाना शुरू कर देता है उसकी पेंटिंग को। बिडिंग मतलब बोली जिसको बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं 1,000 2,000 3,000 ऐसे करके जो बोली लगती है ना, तो अमोल वो लगाना शुरू कर देता है। एनीवेज फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद मंजू का बर्थडे आता है, ठीक है। अब मंजू को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके घर वाले उसको पेंटिंग्स का जितना भी स्टफ़ होता है वो गिफ्ट करेंगे। ओके, सो यस, मंजू के मन में एक पैशन था, डिज़ायर था कि उसको पेंटर बनना है। तो उसका बर्थडे आता है तो उसकी मम्मी मंजू को गिफ्ट देती हैं, तो जब वो गिफ्ट ओपन करती है
तो उसमें वाटर कलर पेंट्स निकलते हैं। मंजू बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, और जब वो अपने फादर का गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें से जो बुक होती है ना पेंटिंग करने वाली, स्टेप बाय स्टेप, हाउ टू पेंट स्टेप बाय स्टेप, तो वो बुक निकलती है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। तभी क्या होता है, मंजू का जो भाई होता है अमोल, वो आता है और मंजू को गिफ्ट करता है। पर अमोल ने कुछ मस्ती की अपनी बहन के साथ, तो वो गिफ्ट देता है, उसकी बहन खोलती है, फिर उसके अंदर से कुछ निकलता है, मतलब कहा जाए डिब्बे के अंदर। तो वो जब खोलती है ना, तो कुछ भी अंदर नहीं निकलता। और ये देखकर मंजू थोड़ा सा फेस बनाने लगती है। बट क्या होता है कि अमोल बोलता है सॉरी, अच्छा तुम ना रूम में जाओ और वहाँ पे पिलो में तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स हैं। जब वो रूम में जाती है तो वहाँ देखती है पिलो के ऊपर 3 ब्रशेस रखे होते हैं, पेंट वाले ब्रश जो होते हैं वो रखे होते हैं, एनिमल प्रिंट्स के होते हैं, एनिमल्स के जो फर से बनते हैं वो ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं वो ब्रश जो अमोल अपनी बहन को गिफ्ट करता है। अब इतने ढेर सारे गिफ्ट्स पाकर मंजू है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। अब क्या होता है, एक दिन वो अपनी मॉम के पास फिर से जाती है और फिर से अपनी मॉम से बोलती है कि मम्मा मुझे ना एक पेंटिंग पेपर चाहिए, जो बहुत बड़ा पेंटिंग पेपर होता है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई एडवांस के लोग पेंटिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, वो मुझे पेपर चाहिए। तो जो मंजू की मॉम होती है वो बोलती है ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी पड़ेगी, फिर मैं तुमको ला दूँगी, कोई इशू नहीं है। तो वो ना मंजू की मॉम जाती हैं, ठीक है, मंजू के पापा से बात करने के लिए। और मंजू की मॉम का जो नाम होता है वो स्मृति होता है। फाइनली स्मृति जाती है, बात करती है मंजू के फादर से। पर उस दौरान क्या होता है, मंजू के जो फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ये सुनकर गुस्सा करने लगते हैं। वो बोलते हैं स्मृति क्या तुमको नहीं पता कि वेजिटेबल्स कितने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, फ्रूट्स कितने महंगे हो गए हैं, और जो पेट्रोल है वो कितना महंगा हो गया है, और तुमने भी तो कितने दिनों से किसी भी फेस्टिवल में साड़ी नहीं खरीदी है। मंजू आज ये पेपर मांग रही है, पेंटिंग पेपर मांग रही है, कल को वो कैनवस मांगेगी जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, कहाँ से लाके देंगे ये सब, और तुमको तो पता ही है पेंटिंग का जितना भी सामान होता है वो कितना ज़्यादा कॉस्टली होता है, और हम लोग ये सब नहीं कर पाएंगे इतना। ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसको पेंटिंग करने का शौक़ है, ठीक है पेंटिंग वो करे, पर उसको जाओ कुकिंग वगैरह सिखाओ, क्योंकि कुकिंग वगैरह उसके फ्यूचर में काम आएगा और पेंटिंग वगैरह इतना काम नहीं आएगा, तो जाओ उसको कुकिंग वगैरह कुछ सिखाओ। इतना मंजू के फादर बोलते हैं स्मृति को, मतलब मंजू की मॉम को। तो मंजू की मॉम सुनती हैं, फिर उसके बाद बाहर आ जाती हैं। अच्छा क्या होता है ना कि मंजू ये सारी बातें सुन लेती है, ठीक है, जो उसके डैड कह रहे होते हैं वो ये सारी बातें सुन लेती है चुपके से। अब ना मंजू को ये सारी बातें बहुत ज़्यादा दिल में लग जाती है, और वो सोचती है हाँ सच में कि पेंटिंग का जितना भी सामान होता है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है। तो वो ना धीरे धीरे पेंटिंग को हेट करना शुरू कर देती है, और अपने जितने भी उसके ब्रशेस वगैरह होते हैं ना वो उठाकर कबर्ड में रख देती है। अगले दिन वो क्या करती है, अपनी मॉम के पास जाती है किचन में, और अपनी मॉम से कहती है मम्मा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या मदद चाहिए तो बताइए, मैं आपकी मदद करूँगी कुकिंग में। उसकी मम्मी ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, वो इसलिए शॉक्ड होती है कि मतलब एकदम से ये मदद करने कैसे आ गई कुकिंग में, क्योंकि मंजू को तो बिल्कुल कुकिंग करने का इंटरेस्ट नहीं है, ये कैसे आ गई। फिर भी वो बोलती है हाँ आओ मेरे साथ मदद करो। सो मंजू ना एक करी बनाती है, वो करी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो ये करी सबसे ज़्यादा पसंद अमोल को आती है। ठीक है, जब अमोल ये करी खाता है तो बोलता है वाओ मंजू बहुत टेस्टी बनाई है तुमने, और तुमने ये सब काम कब शुरू कर दिया है, और काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने तुम्हें नहीं देखा पेंटिंग करते हुए, क्या हुआ पेंटिंग करना छोड़ दिया क्या तुमने। तो मंजू ना बोलती है हाँ मैंने पेंटिंग करना छोड़ दिया है, अब मुझसे ना ये सारी बातें मत किया करो, क्योंकि अब मुझे पेंटिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आई हेट पेंटिंग्स, वो ऐसा बोलती है, मंजू बोलती है आई हेट पेंटिंग्स। फिर अमोल बोलता है तुम्हें पता है मेरे स्कूल में ना एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट लेती तो मैं तो
110% दावे के साथ कहता हूँ तुम ना फर्स्ट ही प्राइज लाती अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट करती तो। तो मंजू कहती हाँ अब जो भी है, पर आई हेट पेंटिंग्स, अब मैं पेंटिंग्स नहीं करती हूँ और ना ही मुझे कोई भी पार्टिसिपेट किसी भी स्कूल के जो भी कॉम्पिटिशन है उसमें नहीं लेना है। इतना बोल के वो चली जाती है। जब मंजू अपने फादर के पास जाती है ना, तो वो उम्मीद लगाती है कि उसके फादर पेंटिंग्स के बारे में कुछ पूछेंगे मंजू से, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसके फादर ना अपने ही बात करने लगते हैं, बोलते हैं कि मुझे ना आज बॉम्बे के लिए जाना है, तो मेरी शर्ट वगैरह प्रेस कर दो और मेरे ये कपड़े पैक कर दो, मेरा वो कर दो। वेल, मंजू का ना भी मन था कि वो बॉम्बे जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। और वो चाहती थी उसके फादर उससे पूछे रिगार्डिंग पेंटिंग के बारे में, पर ये भी नहीं हो पाया। एनीवेज, फिर क्या होता है, जब उसके फादर चले जाते हैं तो उसकी मॉम आती हैं मंजू की और बोलती हैं कि मंजू तुम्हें ना जो अमोल के स्कूल में जो पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है ना, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर मंजू ना बोलती हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना, और इतना बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। जब वो अपने रूम में जाती है तो वो क्या देखती है कि उसका जो टेबल है वहाँ पर एक न्यूज़पेपर का एक कटिंग रखा हुआ है। तो वो क्या देखती है, उस न्यूज़पेपर की कटिंग को उठाती है तो उसमें ना फुटबॉल बनी होती है। ठीक है, मंजू न्यूज़पेपर उठाती है और वो पढ़ती है रिच बेलिंगर के बारे में। ठीक है, जो रिच बेलिंगर है उन्होंने भी अपने दोनों पैर खो दिए थे। ठीक है, और उसको भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाया, ना पेरेंट्स का और ना ही कोच का। कोच भी ये सोचता था कि मतलब ये कैसे खेलेगा, कैसे दौड़ेगा, क्योंकि इसके दोनों पैर तो है ही नहीं, इसके दोनों पैर में तो नकली पैर लगे हैं, पर ये कैसे करेगा। और कोई भी उसको, रिच बेलिंगर को कोई भी सपोर्ट नहीं करता था। सब लोग यही सोच रहे थे इससे तो हो पाएगा नहीं, ये बस कोशिश कर रहा है, इसे होगा नहीं, ये कोशिश कर रहा है। पर ये जो रिच बेलिंगर थे, इन्होंने हार नहीं मानी और ये अपनी लाइफ में जीत कर लोगों को दिखाया। जिन्होंने ये सोचा था कि इसके दोनों पैर नहीं हैं, नकली पैर लगे हुए हैं, ये बस कोशिश कर रहा है, कुछ होगा नहीं इसे, पर रिच बेलिंगर ने उन लोगों को ना दिखा दिया कि हाँ मैं कोशिश तो कर रहा था, देखूँ मैंने करके दिखाया, मेरे दोनों पैर नहीं हैं फिर भी मैंने करके दिखाया, मेरे पास सपोर्ट नहीं था फिर भी मैंने करके दिखाया। मतलब रिच बेलिंगर ने कभी गिव अप नहीं किया। ठीक, तो जब ये सब वो न्यूज़पेपर में पढ़ती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है, और वो इतना मोटिवेट होती है वो कहती है कि हाँ मेरी मॉम ने भी मेरे से बोला था कि फाइट मंजू फाइट, तुमको फाइट करना है। अब क्या होता है कि अगले दिन अमोल बाहर बैठा होता है, वो बाहर जाती है तो वो ना ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और मंजू भी बहुत ज़्यादा रेडी होकर आती है। और अमोल बोलता है कि मंजू तुमको ना पार्टिसिपेट करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं कर रही हो तो कोई बात नहीं, अगर करती तो तुम फर्स्ट प्राइज जीत के लाती। तो वो बोलती है हाँ मैं तो लेके आऊँगी फर्स्ट प्राइज जीत कर वो भी। तो अमोल शॉक्ड हो जाता है, उसकी मम्मी भी सुनती है कि ये क्या बोल रही है, अभी तो बोल रही थी आई हेट पेंटिंग्स एंड ऑल, अब एकदम से ये क्या बोल रही है कि मैं जाऊँगी और जीत के आऊँगी। फिर मंजू बोलती है कि पता है वो जो रिच बेलिंगर है, उसके दोनों पैर नहीं थे, उसने गिव अप नहीं किया और अपनी लाइफ में करके दिखाया, और निराश नहीं हुआ, वो डिप्रेशन में गया पर फिर से वो बाहर निकल आया। मतलब हर एक इंसान के अंदर डिप्रेशन आता है, बट ये ज़रूरी है कि आप मोटिवेट रहें। जब आप मोटिवेट रहेंगे ना, तो आप ना वो सारी चीज़ें कर पाओगे। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, पर अगर उनकी सुनेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को मोटिवेट रखें और कभी भी डिप्रेशन में ना जाओ, कोई बात नहीं। ऐसे मंजू के साथ हुआ कि लोगों ने उसको बहुत कुछ बोला, क्योंकि उसके हाथ पैर थोड़े मुड़े हुए थे, है ना, और उसको पेंटर बनना था बहुत बड़ा। वो अपनी लाइफ में सैड भी हुई, पर उसने जब न्यूज़पेपर का वो कटिंग को पढ़ा जिसमें रिच बेलिंगर के बारे में लिखा हुआ था, तो वो फिर से खड़ी हो गई एंड उसने ठान लिया कि अब तो मैं करके दिखाऊंगी। मंजू ने अपने जीवन में ये ठान लिया कि अब वो जीत के आएगी। अमोल को और उसने अपनी मॉम को
रिच बिलिंगर के बारे में बताया, एज अ एग्जांपल दिया, ठीक है, और बोला कि अब मुझको ना आगे बढ़ना है, और यहीं पे ये स्टोरी फिनिश होती है। सो फ्रेंड्स, कभी भी आप डिप्रेशन में ना जाओ, ठीक है, आपके दिमाग में बस एक बात होनी चाहिए, वो क्या, कि आपको आगे बढ़ना है। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।